वेलकम टू मिलियन फैक्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई रेवोल्यूशन लाने वाले फेमस रैपर एंड सिंगर बादशाह के बारे में। इनके पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका कोई भी न्यू सॉन्ग आते ही लोगों के बीच तुरंत हिट हो जाता है। बादशाह के गाने भी युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर बनते जा रहे हैं। उनका रैप करने का रिदम ही कुछ इस तरह का होता है कि लोग अपने आप को झूमने को बनना तो था एक रैपर, पर आपको पता है कि बादशाह ने एक रैपर बनने से पहले भी कुछ और बनने का सोचा था। जैसे बादशाह जब छोटे थे तो सबसे पहले तो उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट बनने का सोचा, फिर एक बास्केटबॉल प्लेयर, उसके बाद उन्हें बनना था एक डीजे, और उसके बाद एक आईएएस ऑफिसर। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू कर दी। वे टूपाक और एनिनियम जैसे रैपर्स को ज़्यादा सुना करते थे। नंबर 5, आइए अब हम बादशाह की पढ़ाई के बारे में जानते हैं। बादशाह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बाल भारती स्कूल प्रीतमपुरा दिल्ली से की। बादशाह को शुरू से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था और वे अपने स्कूल के म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया करते थे। अपने स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बादशाह ने चंडीगढ़ की PEC यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की। अपने कॉलेज लाइफ के दौरान भी उन्होंने रैप लिखना कंटिन्यू रखा। उनके पेरेंट्स तो चाहते थे कि वे पढ़ लिख कर कोई गवर्नमेंट जॉब करे, मगर ये उनको मंजूर नहीं था। उन्होंने तो वही किया जो उनको करना था, अपने पैशन को फॉलो। नंबर 6, क्या आप जानते कि बादशाह का कौन सा पहला शो था जो कि हिट रहा और तब जाके उन्हें मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ? ये बात तब की है जब वे अपने कॉलेज में थे। तब उनके कॉलेज में यूफोरिया बैंड परफॉर्म करने के लिए आया था, जिसमें तब के पॉपुलर सिंगर डॉक्टर प्लाश गाना गाने वाले थे। और तब बादशाह ने जैसे तैसे करके अपने कॉलेज वालों से अपना कुछ परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 5 मिनट मांगे। पर जैसे बादशाह ने परफॉर्म करना शुरू किया तो वे 5 मिनट के 15 मिनट और 15 मिनट का पूरा आधा घंटा हो गया। वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स ने भी बादशाह को काफ़ी अप्रिशिएट किया।
और तब पलाश सर खुद आए और उन्होंने बादशाह से कहा, भाई तू ही परफॉर्म कर ले। तब बादशाह को लगा कि हाँ, मैं भी म्यूज़िक में कुछ कर सकता हूँ। जब वे उस टाइम कॉलेज वालों से सिर्फ 5 मिनट मांग रहे थे, आज उन्हीं का कॉल आता है और वे कहते हैं कि सर आपके पास 5 मिनट होंगे। और ये अपने आपने देखा होगा कि बादशाह अपने सॉन्ग्स में खूब स्टाइलिश और फैशनेबल क्लोथ पहनते हैं और वे आज के जनरेशन के फैशन आइकॉन भी बन चुके हैं। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके फैशन आइकॉन कौन है, तब उन्होंने कहा कि मेरे पापा ही मेरे फैशन आइकॉन हैं। जब वे छोटे थे तो उनके पापा ने ही उन्हें ब्रांडेड जूते दिलवाना शुरू किया था। वो इसलिए कि वे कभी अपने बचपन में ब्रांडेड जूते पहन नहीं पाए थे। और कार्निवस रैपर भी बादशाह के इंस्पिरेशन रहे हैं। नंबर 9, बादशाह के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब उनकी म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई तो वह शुरू होने के हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही ख़त्म भी हो गई थी। यह बात तब की है जब वे स्कूल में थे, तब वहाँ उनकी एक म्यूजिक टीचर हुआ करती थी, संगीता लहरी। बादशाह जब 5वीं क्लास में थे तब एक दिन उनकी म्यूजिक टीचर ने उनसे कहा कि आप हमारे कोएड ग्रुप का हिस्सा बनो, क्योंकि उनको लगता था कि बादशाह अच्छा गाता है और उसका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है। और तब अपने म्यूजिक टीचर के कहने पर बादशाह कोएड ग्रुप का हिस्सा बने और उनकी प्रैक्टिस भी शुरू हो गई। लेकिन हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद ही उनको कोएड ग्रुप से निकाल दिया गया। इसका रीजन था लैक ऑफ डिसिप्लिन। हुआ यह कि वे प्रैक्टिस के लिए लेट आया करते थे, क्योंकि उनका घर स्कूल के पास था और ज़्यादातर बच्चे जिनका घर स्कूल के पास होता है वे अक्सर लेट ही स्कूल पहुंचते हैं, पता नहीं क्यों। उनकी मैम ने कहा कि तुम लेट आते हो इसलिए तुम कल से मत आना। तब बादशाह कल से प्रैक्टिस के लिए गए नहीं। इसके अलावा वे बास्केटबॉल खेलने लग गए। और 1.5 साल बाद जब बादशाह संगीता मैम से मिले तो उन्होंने पूछा कि बच्चे तुम उस दिन से प्रैक्टिस के लिए आए क्यों नहीं। इस पर वे बोले कि मैम आपने ही तो कल से आने के लिए मना किया था। इस पर उनकी म्यूजिक टीचर ने कहा कि ये तो मैं हर किसी बच्चे को कहती हूँ, डांटती हूँ ताकि वे टाइम से प्रैक्टिस के लिए आए। इस पर बादशाह ने कहा कि मैम मैं है ना दिल पर ले आता हूँ बात को। तब बादशाह को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उनमें भी म्यूजिकलिटी है, क्योंकि उनके परिवार का दूर दूर तक म्यूजिक से रिश्ता नहीं था। बादशाह ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर मैं उस कोएड ग्रुप में होता तो आज शायद कहीं नहीं होता। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि उनके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब बादशाह ने पहली बार उनको बताया कि वह एक रैपर बनना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम इंडिया में कोई रैप करता नहीं था। इसलिए पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह बनना क्या चाहता है। तब वेस्ट में रैपिंग हुआ करती थी, इसलिए रैप को समझाने के लिए बादशाह ने एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो दिखाया जो कि उन्हें जचा नहीं और उनके पापा ने 2 कान पर दिए। तब उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक रैपर ही बनना है। नंबर 11, बादशाह का कहना है कि अगर आप में किसी चीज़ को करने का पैशन है, अच्छी बात है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। जब तक आपको उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ तब तक किसी भी जॉब को छोड़ो मत, सब चीज़ें बैलेंस करके चलो। बादशाह भी एक तरफ अपनी जॉब और दूसरी तरफ अपना काम किया करते थे। इनफैक्ट जब साल 2012 में उनका सैटरडे सैटरडे गाना आया था तब भी वे जॉब किया करते थे, और जब उनकी म्यूजिक से अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगी तब जाके उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। नंबर 12,
क्या आप जानते हैं कि बादशाह बॉलीवुड की आने वाली फिल्म गुड न्यूज़ में भी एक्टिंग करने वाले हैं, जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया है। करण जौहर ने खुद बादशाह को फ़ोन करके यह फिल्म ऑफर की थी, मगर फिल्म के ऑडिशन में दिलजीत दोसांझ उनसे बैटर कर गए और इसलिए उन्हें यह फिल्म नहीं मिल पाई। मगर वे जल्द ही किसी मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। नंबर 13, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बादशाह अपने ज़्यादातर गाने गाड़ी में ही बनाते हैं और उनके एक एक घंटे लंबे वॉइस नोट होते हैं, जिसे वे ध्यान से सुनते हैं और जो उन्हें अच्छा लगता है वह उसे अपने गाने में ऐड कर लेते हैं, और वे फ्लाइट में भी गाने बनाते हैं। नंबर 14, जब बादशाह ने अपने रैपर बनने के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उनको लगा कि यहाँ तो बात नहीं बनने वाली है, और तब उन्हें समझ आ गया कि उन्हें अपना काम करना है और साथ ही साथ जॉब भी करनी है, और फिर उन्होंने चुपचाप अपने पेरेंट्स को बिना बताए अपने पैशन जो कि था म्यूज़िक को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके बाद बादशाह ने म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया और लोगों के साथ काम करना शुरू किया, जिससे कि उनके पास पैसे आना शुरू हो गए। और जब उन्होंने म्यूज़िक से अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया, तब उनको लगा कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ अगर मैं अपने म्यूज़िक को प्रोफेशनली फॉलो करूँ, तो उन्होंने घर पर बिना बताए अपनी जॉब छोड़ दी। नंबर 15, जॉब छोड़ने के बाद जब एक दिन वे एक बड़ी सी महंगी सी चमचमाती गाड़ी में घर आए, तो उस दिन तो उनके पेरेंट्स ने नोट नहीं किया कि यह किसकी गाड़ी है, पर जब दो तीन दिन बाद में उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि यह किसकी गाड़ी है जो हमारे घर के सामने रोज खड़ी रहती है, तब बादशाह ने बताया कि यह मेरी गाड़ी है जो कि करीब 30-35 लाख की है। और तब उन्होंने उस दिन अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है और मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, म्यूज़िक की वजह से ही मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले पाया हूँ। पर वे उस टाइम भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे, पर हाँ उस दिन उनको लगा कि हमारा बच्चा म्यूज़िक में इतना कमा सकता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और शायद फ्यूचर में अपने फैमिली का ख्याल रख सके। बादशाह के कई गाने हैं जिनमें उन्होंने अपने बेहतरीन रैप का जलवा बिखेरा है, जैसे कर गई चुल, डीजे वाले बाबू, मर्सी, हार्टलेस, बज। और कुछ गाने हैं जिन्होंने उन्होंने रैप और सिंगिंग दोनों की है, जैसे तारीफा, शी मूट लाइक। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।